लोकल न्यूज चैनल ऑफ वडोदरा। वडोदराना सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा आज रोज AIS फ्रेंड्स इनिशिएटिव ना सहयोग थी वडोदरा रेलवे स्टेशन खाते सेवारत कुली भाईओ ने कुली बक्कल बेज तथा राशन किट नु वितरण करवामां आव्यु हतु। रेलवे स्टेशन खाते कार्यरत कुलियों ने त्रण कुली बक्कल तथा राशन किट सांसदश्री की उपस्थिति में वितरण करवामां आव्यु हतु। कोविड रोगचाळाए समाज में विविध विभागों पर भयंकर नकारात्मक असर करी होवाथी AIS फ्रेंड्स एक उमदा उद्देश्य साथ योगदान आपवा संगठित थया छे। AIS फ्रेंड्स इनिशिएटिव ए स्वैच्छिक टीम छे जेनी रचना ने संचालन AIS इन्फोसिस में काम करता मित्रों द्वारा थयेल छे। समाज माटे फाळो आपवा मांगता समान विचारधारा धरावता लोकोनी आ पहेलनी अंतर्गत 23 जून 2021ना रोज वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशनना 160 कुलियोने लगभग 50 किलो वजननी करियाणानी किट पूरी पाडवा एक कार्यक्रम योजायो हतो। रेलवे आंशिक रूपे चालू होवाथी रेलवे स्टेशनना कुलियोने कोई आवक नथी अने तेथी पोताने અને તેમના પરિવાર માટે યોગ્ય ભોજન ઉપરાંત તેમની નજરી જરૂરિયાતોનું સંચાલન કરવામાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે। આ પ્રસંગે વડોદરાના સંસદ સભ્ય રંજનબેન ભટ્ટે, વડોદરાના માનદ મેયર કેરુભાઈ રોકડિયા, વડોદરા વિભાગ ભારતીય રેલવેના DRM અમિતભાઈ ગુપ્તા સાથે કુલીઓને આ કરિયાણા કીટ સોંપી અને AIS ફ્રેન્ડ્સ ઇનિશિયેટિવની કામગીરીને બિરદાવી હતી। સમાજને સમર્પણ અને નિષ્ઠા સાથે સેવા આપવા પ્રવૃત્તિઓ કરી રહેલ AISના સ્વયંસેવકો વડોદરામાં કોવિડની બીજી લહેરના સમયથી જ દરરોજ 400થી વધુ લોકોને રાંધેલા ભોજનનું વિતરણ કરી રહ્યા છે। આ સંગઠને વડોદરામાં 10 જુદા જુદા સ્થળોએ હોટ એર સ્ટીમિંગ વરાળ નાસ લેવાના સેન્ટર્સ પણ સ્થાપ્યા છે। શહેરના ગરીબ સમુદાયોમાં બેઘર અને બેરોજગાર પરિવારોને સેંકડો રેશન કીટ વિતરણ કરી છે। AIS ફ્રેન્ડ્સ ઇનિશિયેટિવ દ્વારા લગભગ 1500 કપડાના સેટ તેમના કર્મચારીઓ પાસેથી એકત્રિત કરી નિરાધાર લોકોને વિતરણ કરવાની યોજના પણ બનાવાઈ છે। वडोदरा शहर संस्कारी नगरी में हमेशा लोग सेवाकीय काम करता हो। आजनु एक सेवाकीय काम एटले वडोदरा रेलवे स्टेशन पर जे कुली भाईओ छे ए कुली भाईओ ने ASI कंपनी द्वारा एटले के ए कंपनी में नौकरी करता एम्प्लॉइज द्वारा आज कुली भाईओ ने 45 किलोनू राशन की कीट आपवामां आवी छे। એમની CSR ગ્રાન્ટમાંથી નહીં પરંતુ એમ્પ્લોઈઝ છે ગુરુ મિત અને ગણેશજી અને એમની સાથે જોડાયેલા એમ્પ્લોઈઝ થોડા ભાઈઓ એ લોકો દ્વારા એ પોતાના પગારમાંથી પૈસા કાઢીને લગભગ એક કીટ 5000 રૂપિયાની આ કીટ બનાવવામાં આવી છે અને એમાં પૌવાથી લઈ સાબુ નાવાનો સાથે આખા ભોજન બનાવતી વખતે જે જરૂરિયાત મસાલાની પડતી હોય છે એ બધું જ અંદર મૂકવામાં આવ્યું છે। સાથે સાથે મારા 3 કુલી ભાઈઓને આજે બક્કલ પણ આપવામાં આવ્યા છે। હું ASI કંપનીના એમ્પ્લોઈઝને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। ધન્યવાદ। બેસિકલી હમ એક US કી ફર્મ હૈ, હમારા નામ કંપની કા નામ હૈ AIS બિઝનેસ સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ। हम बड़ौदा के एलम्बिक प्रेमाइस में हमारा ऑफिस है। तो ये जो कार्यक्रम, ये जो इनिशिएटिव है, हमने 3-4 महीने पहले शुरू किया था, जहाँ पे हमने ये सोचा कि पैंडेमिक में जो लोग को ज़्यादा असर हुआ है वो ऐसी जो भी सोसाइटी वर्ग है उसके लिए हम कुछ कर सके। तो हम सारा एक एम्प्लॉइज़ का ग्रुप मिल के हमने ये सोचा कि क्या कर सकते हैं, और तभी हमें ध्यान में आया कि कुली भाइयों के लिए हम कुछ करना चाहिए। तो इन कुली भाइयों के लिए हम क्या कर सकते हैं जो उनको उनका जो भी लॉस है या जो अर्निंग नहीं हो रही है उसको पूरा कर सके। तो ये ग्रुप ने मिलकर सोचा कि हम राशन दे सकते हैं, राशन भी छोटा नहीं, लेकिन राशन जो उनका घर चला सके कुछ समय तक, जब तक ट्रेन शुरू नहीं होती, जब तक कुछ नहीं होता। तो हमने ये सोच के करके किया, छोटा सा इनिशिएटिव प्लान किया था, छोटा सा कर सकेंगे, लेकिन होते होते बड़ा हो गया, बहुत लोग जुड़ गए और अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा चीज़ हम कर पाए हैं। आई थिंक सबका सपोर्ट, सबका साथ था और हम ये अच्छा कर पाए। और थैंक यू मेयर साहब रंजन बहन और रेलवे का और मीडिया भाइयों का कि आप लोग ने ये कवरेज दिया ताकि हम दूसरों के लिए प्रोत्साहन बन सके। सर थैंक यू वेरी मच। हम आशा करते हैं कि हम ये इनिशिएटिव चालू रखेंगे। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम परमजीत नागपाल है, मैं ह्यूमन रिसोर्स हेड करता हूँ।